धौलपुर जिले में आज कमल बाइक संदेश रैली नमो विद नेशन के तहत निकाली गई। रैली पुराना शहर टाउन चौकी से शुरू होकर सरकारी अस्पताल होते हुए जगन टाकीज, लाल बाजार, सब्जी मंडी, संतर रोड, बस स्टैंड होते हुए गुलाब बाग से भाजपा जिला कार्यालय पर समापन हुई। रैली में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। रैली में करीब 175 बाइकों पर सवार भाजपाई बिना हेलमेट के बाइक में चल रहे थे। रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी ने कहा कि युवाओं के चेहरों पर जो उत्साह नजर आ रहा है, इससे पूरे हिंदुस्तान में यह संदेश देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की द्वारा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। धौलपुर विधायक शोभा रानी ने सभी युवा मोर्चा को धन्यवाद देते हुए कहा कि युवा देश की शान है, आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरा देश युवाओं पर निर्भर है। पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन सिंह बघेल ने और नगर अध्यक्ष राम कुमार गर्ग युवा मोर्चा को युवाओं की बहुत बड़ी ताकत बताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के संयोजक नवीन तिवारी ने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर पुलवामा हमले का बदला लेने पर वायुसेना के सम्मान में बाइक रैली का आयोजन किया गया है। इससे देश के युवाओं में पाकिस्तान के प्रति काफी आक्रोश है। मोदी देश की ताकत है, देश का हर युवा मोदी जी के साथ खड़ा हुआ। आज 2 मार्च को हमारे धौलपुर में जो हमारे युवा भाइयों ने और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो अपना संगठन एकता दिखाई, इससे पता चलता है कि हमारे युवा बच्चे और हमारे युवा भाई किसी चीज़ में पीछे नहीं है और हर संभव जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़े और हर जगह ये कमर कस के तैयार है, कहीं भी इनकी आवश्यकता पड़े एक आवाज़ पे ये दौड़े चले आते हैं। इन ऐसे भाइयों को मैं सर नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। चला 2 मार्च को हमारी भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का पहले से इस तरह के प्रोग्राम थे और इसमें 2 मार्च का प्रोग्राम था कि पूरे भारत के अंदर हम बाइक रैली निकालें। उसी प्रोग्राम के तहत आज धौलपुर जिले के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने ये बाइक रैली आज निकाली गई है। ये संदेश दिया गया है बाइक रैली के माध्यम से माननीय अमित शाह जी का, माननीय मोदी जी का, कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रधानमंत्री इस तरह का है जिसका सीना 56 इंच का है और वो सीना नापने के लिए कुछ लोग कह रहे थे आज से 4 दिन पहले कि मोदी जी आपका सीना कहाँ गया, क्या सिकुड़ गया है। फिर से आज उन्होंने अपना सीना नाप दिया पाकिस्तान के लिए कि मेरा 56 इंची का सीना है और इस राय बाइक रैली के माध्यम से हमने वो संदेश दिया है कि हमारे भारत के वीर सपूतों ने, हमारे भारत के वीर सैनिकों ने, हमारी भारत की वायुसेना ने जो कार्यक्रम किया, जो पाकिस्तान को इस तरह से एक नीचा दिखाया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक हमारी भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मोदी जी का एक कदम है, भारत का एक कदम है। और इसके मुखिया हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये उनके द्वारा जो कुछ हुआ है मैं उनके लिए नमन करता हूं और हम सब भारतीय जनता पार्टी उनके लिए नमन करते हैं कि आज उन्होंने भारत का बहुत ऊँचा सीना किया। धौलपुर जिले के रायाखेड़ा थाना इलाके के गांव बाबरपुर से गत 26 फरवरी की देर रात्रि को खेतों की रखवाली करते हुए झोंपड़ी में से एक युवक को अज्ञात बदमाश अपहरण कर ले गए। अपहृत युवक को आज रायाखेड़ा थाना पुलिस ने चंबल के बीड़ों की खार में से बरामद कर लिया है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस उप अधीक्षक किशोरी लाल ने बताया कि गत 26 फरवरी को देवेंद्र सिंह पुत्र बीरी सिंह निवासी बाबरपुर अपने खेत पर बनी झोंपड़ी में फसल की रखवाली कर रहा था, जहां से वह अचानक लापता हो गया। परिजनों ने घटना के संबंध में युवक के अपहरण की आशंका जताते हुए रायाखेड़ा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी तलाश में 2 टीमों का गठन करते हुए सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के गांव सहित चंबल इलाके के गांव में युवक की तलाश की गई, जहां आज शनिवार को चंबल के बीहड़ के रास्ते में पेड़ के पास पुलिस को कुछ हलचल व आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करने पर देखा कि एक युवक जिसके हाथ पीछे की ओर बंधे थे जो वहां बैठा मिला, जिससे उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम देवेंद्र सिंह पुत्र बीरी सिंह निवासी बाबरपुर बताया। युवक ने बताया कि पुलिस के आने की आवाज सुनकर बदमाश उसको बीहड़ में छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस ने युवक को अपनी हिरासत में लेकर रायाखेड़ा थाने पर लाकर घटना के संबंध में और अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल युवक के सकुशल बरामद होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली है। रखवाली करते हुए बाबरपुर ग्राम के किसान देवेंद्र सनोक गिरी सिंह खेत से अचानक गायब हुए। सुबह
परिजनों ने थाना उपस्थित होकर अज्ञात लोगों के खिलाफ अपने पुत्र वीरी सिंह ने अपने पुत्र के अपहरण की आशंका जताते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई। इस पे हमने हमारे दो अलग टीम धौलपुर जिले के पोस्को कोर्ट ने वर्ष 2015 में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए आरोपी को 2,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पोस्को कोर्ट के पीपी नरेश शर्मा एडवोकेट ने बताया कि 15 सितंबर 2015 को पीड़िता के परिजनों ने देहली थाने में मामला दर्ज कराया था। थाने में दर्ज कराए गए मामले में बताया गया कि देहली थाना इलाके का रहने वाला युवक हरेंद्र सितंबर 2015 में नाबालिग बालिका को जबरन अपनी बाइक पर बैठाकर अपहरण कर ले गया था। आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। 15 सितंबर 2015 को पीड़िता के मिल जाने के बाद परिजनों ने देहली थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। नाबालिग के परिजनों द्वारा दर्ज कराए गए मामले में सुनवाई करते हुए पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने आरोपी हरेंद्र को दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई है। आरोपी हरेंद्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए उसे 2,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मैं नरेश कुमार शर्मा, विशेष लोक अभियोजक, पोक्सो कोर्ट धौलपुर, ये आपको सूचित कर रहा हूँ कि दिनांक 15/9/15 को शाम को 7 बजे करीब एक पीड़िता नाबालिग लड़की को अभियुक्त हरेंद्र सिंह जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया और उसको अपने साथ कई दिन तक रखा, उसके साथ बलात्कार किया, जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध। और इस मामले में न्यायाधीश श्री मुकेश त्यागी द्वारा, मुकेश त्यागी द्वारा 10 वर्ष की कठोर कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। और इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं ये समाज के लिए कलंक हैं, इनमें दंडित किया जाना अगर काफ़ी आवश्यक है। और अक्सर जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा हम अब तक के समय सजा ही करवाएंगे। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के रहने वाले दिनेश शर्मा ने ईमानदारी का परिचय दिया है। बीते दिन सड़क पर मिली सोने की कीमती जंजीर का स्वामी नहीं मिलने पर पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर दी है। दिनेश शर्मा निवासी हरदेव नगर ने बताया कि बीते कल देर शाम को वह कॉलोनी से बाहर आयुर्वेदिक चिकित्सालय के सामने सड़क मार्ग पर टहल रहे थे। टहलते समय सड़क पर अचानक नजर चली गई जहाँ सोने की जंजीर पड़ी हुई थी। जंजीर काफी भारी वजन की एवं कीमती थी। शर्मा ने आसपास लोगों से पूछताछ की लेकिन जंजीर का कोई स्वामी नहीं मिला। शर्मा ने आज जंजीर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह को सुपुर्द कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली थाना पुलिस को जंजीर दी है। पुलिस ने जंजीर लेकर स्वामी की तलाश शुरू कर दी है। उधर शर्मा की ईमानदारी से हरदेव नगर कॉलोनी में चर्चाएं बनी हुई है। कल शाम को दिनेश जी शर्मा निवासी कस्बा वासी को एक सोने की चैन गिरी हुई मिली थी। कल शाम को उन्होंने आसपास लोगों से तलाश किया, पता न चले पर आज उन्होंने चैन श्रीमान एसपी साहब के समक्ष पेश की थी। श्रीमान एसपी साहब द्वारा निर्देशित करने पर थाने पर लाकर चैन थाने पर जमा की गई है तथा उसके मालिक का पता करवाया जा रहा है। जी सर, क्या मामला था? ये सोने की एक जंजीर ये बाबा होम्योपैथिक और हरदेव नगर के बीच में पड़ी हुई मिली थी, तो उसको मैंने आके एसपी साहब को दे दिया। कल मिली थी शाम को 7 बजे के आसपास। करीब अंदाजन कितने रुपए तक की होगी? वजन उसका 8 ग्राम 830 जी मिलीग्राम कहते हैं क्या, वो था वजन बस। उसके अलावा सब पैसे वैसे तो हम क्या समझें। धौलपुर शहर के हिनार रिसोर्ट में एसएन साइंस कॉलेज का विदाई समारोह एवं वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धनेश जैन रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में छात्र छात्राओं ने डांस और लोक संगीत के नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। छात्राओं की प्रस्तुति देखकर सभी का मन मोहित हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि बेटियां आज के युग में भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। खेल मैदान से लेकर देश की सुरक्षा तक में बेटियों का अहम योगदान है। कार्यक्रम के पश्चात संस्था प्रधान ने सभी का आभार व्यक्त किया एवं छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। एसएन कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में सत्र 2018-19 में अध्ययनरत बीएससी थर्ड ईयर, बीए थर्ड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर और बीसीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए
विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही साथ उनको आगे अपने भविष्य में चल करके एक मानवता का साथ रखते हुए, नैतिकता के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जहाँ भी जाएं हमेशा इसको ध्यान में रखें और इस देश का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें और उनके एक उज्जवल भविष्य की कामना की गई। छात्र छात्राओं के द्वारा देश सेवा, देश प्रेम पर ओतप्रोत कई सारी प्रस्तुतियां दी गईं और इसके अलावा विभिन्न मनमोहक प्रस्तुतियां छात्र छात्राओं के द्वारा दी गई। पुर जिले के सैंपऊ कस्बे के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर लगने वाले लक्खी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मेले का कल 3 मार्च को विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि संत महंत शांतिदास जी महाराज एवं बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहेंगे। मेले की तैयारियों को लेकर ग्राम पंचायत ने अंतिम रूप दे दिया है। मेले में बाजार और झूले लगने लगे हैं। लक्खी मेला हर बार की व्यवस्था है, लाइट की, दुकानदारों के लिए जगह आवंटन की गई है, लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था टंकी रखवा देंगे शौचालय में, लाइट की व्यवस्था, टंकी पानी की व्यवस्था करवा देंगे, टैंकर से पानी मंगा रहे और वो हेडपम्प भी लगवा दें, सबमर्सिबल डरा देंगे व्यवस्था पूरी। मेला प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लगने जा रहा है। मेले में सारी तैयारियां करीबन पूर्ण हो चुकी हैं। इसमें भोग प्रसाद तथा मेले में महिलाएं अपना घरेलू सामान खरीदेंगी और मेले में झूले व सर्कस का आनंद लेंगी। मौत का कुआ है और खेल तमाशे इसमें भी हैं, वो लग चुके हैं। बस सोमवार से मेले की तैयारी हो चुकी है। धौलपुर जिले के सैंपऊ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट का स्थानीय भामाशाह कुंज बिहारी गर्ग ने करीब 5 लाख की लागत से निर्माण कराया है। गेट का उद्घाटन आज स्थानीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक मलिंगा ने कहा कि समाज में ऐसे भामाशाह को आगे आना चाहिए और समाज की गतिविधियों में महती भूमिका निभानी चाहिए। गौरतलब है कि विद्यालय के परिसर में 2 वर्ष पूर्व स्थानीय भामाशाह महेंद्र बाबा ने करीब 10 लाख की लागत से सरस्वती मंदिर का भी निर्माण कराया था। इस अवसर पर संस्था प्रधान शिवदत्त शर्मा सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संस्था प्रधान ने सभी का आभार व्यक्त किया। राज्य की बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंपऊ के नवीन भवन में आज माननीय विधायक श्री गिरिराज सिंह मलिंगा जी द्वारा कंप्यूटर कक्ष और ICT लैब नवीन भवन में स्थापित कर लोकार्पण किया गया और उनके द्वारा जो सत्र 2018 में प्रथम और द्वितीय स्थान पर बोर्ड परीक्षा प्राप्त किया था बच्चियों ने, उनको मूवमेंट शुरू का पुरस्कार वितरण किया गया और विद्यालय में भामाशाहों को माननीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी द्वारा सम्मानित किया गया। पुर जिले के सैंपऊ कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में वार्षिक महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा एवं सैंपऊ तहसीलदार दिनेश कटारा, रिटायर्ड नायब तहसीलदार सत्यप्रकाश शर्मा, शिक्षा से जुड़े गोपाल अवस्थी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृष्णा मुरारी रही। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक मलिंगा ने कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया, उसके बाद स्कूली छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के भामाशाह कृष्ण सोनी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। धौलपुर जिले के कोलारी गांव में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिनमें एक गर्भवती महिला सहित करीब 3 जने घायल हो गए। घायल महिला गुड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पति के पैसे उनके एक परिजन पर थे, जो काफी समय से उन्हें पैसे देने से आनाकानी कर रहे थे। जब शुक्रवार को उनकी सास सुनीता ने पैसे मांगे तो डरुआ नामक व्यक्ति ने गुड़िया और सुनीता को लाठी डंडों से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। विदित रहे कि गुड़िया के पेट में नवजात शिशु पल रहा है, इसके बावजूद भी आरोपियों ने उस पर रहम नहीं किया और उसके पेट में लात मार दी। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। क्या मामला था? लड़ाई का, पैसा मांगे वापस, ते पैसा देती भी नहीं है, मार छेड़ करी है, मेरी सास का पैर टूट गया और मैं लग गई है पेट में। कौन ने मारा था? राकेश ने, राकेश की बहू ने और बड़े भाई हैं और बड़ी भाई है उत्तम की बहू कमलेश। आप गर्भवती भी हो? हाँ, तब मेरे पेट में लग गई है, मेरे पेट में गई है और दरुआ बाबा
और अम्मा दरुआ बाबा की पत्नी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड इलाके के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शनिवार को किशोरी मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक मलिंगा ने कहा कि बेटियां राष्ट्र की धरोहर हैं, बेटियों से ही घर आंगन में खुशियां रहती हैं। वर्तमान युग में राष्ट्र निर्माण में बेटियां की महती भूमिका है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां आगे रही हैं, शिक्षा, व्यापार, खेल, यहाँ तक कि सेना की नौकरी में भी बेटियां अब किसी से पीछे नहीं हैं। बेटियों को बेटों से कम नहीं समझें, बेटियां बेटों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकती हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के अंतर्गत किशोरी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बेटियों ने सुंदर रंगोली सजाई। वहीं विधायक ने नवीन भवन कक्ष का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह परमार CBEO विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुकेश गर्ग, मुक्ता शर्मा, रामचरण लाल मीणा, अशोक शर्मा आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की बाड़ी नगर पालिका द्वारा शनिवार से गाड़ी शहर में सफाई अभियान की शुरुआत करा दी है। अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कलेक्टर एवं बाड़ी SDM के निर्देशन में शहर भर में विशेष सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत शहर की सभी गलियों और बाड़ों को चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से सरमथरा रोड, बसेली रोड, तुलसीवन रोड, धौलपुर रोड पर सड़क के सहारे पट्टी की सफाई कराई जाएगी। वहीं शहर के गली मोहल्ला और बाड़ों में नाली और नालों की भी सफाई कराई जाएगी। सफाई के बाद मच्छरों और कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए फिनाइल और DDT पाउडर का छिड़काव कराया जाएगा। वहीं शहर भर के फल विक्रेता मिष्ठान प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया है, जिनसे समझाइश कर दुकानों के सामने डस्टबिन रखने की हिदायत दी है, जिससे शहर साफ सुथरा रह सके। अगर कोई भी फल विक्रेता और मिष्ठान विक्रेता सड़क पर, आम रास्ते पर गंदगी करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।